जो भी सारे दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब मेरे मेरे दोस्त और उनके दोस्त भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी शादी अटकी हुई है, अभी तक शादी नहीं हुई या फिर आपका पेंडिंग में जा रहा है काम, हर बार कैंसिल होता है, तो फिर दिस इज द टेम्पल यू आर लुकिंग फॉर। कुछ इस तरीके से इसका एंट्रेंस गेट है, बहुत ही बड़ा वाला एंट्रेंस गेट है वैसे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मीर अल्ला उन्नारू, जिसका मतलब है कैसे हो आप सब लोग। आई एम हियर एट तिरुपति, एंड तिरुपति में आज हम लोग श्रीनिवासा मंगापुरम जा रहे हैं, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है। कल्याणम वेंकटेश्वरा स्वामी का वो टेम्पल है, जब वेंकटेश्वरा स्वामी और पद्मावती जो लक्ष्मी जी का मैरिज हुआ था, उसके बाद वो लोग 6 मंथ के लिए वहां पे गए थे। तो आज वो वाला जो टेम्पल है वो मैरिज के लिए बहुत ही फेमस है। तो जिसके मैरिज नहीं हो रहे और जिसके मैरिज का काम अटका पड़ा है या जिसको मैरिज करना है, उन सब के लिए तो ये वीडियो खास है, ठीक है। रोज के रोज बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, तो वो सारी एक्टिविटी हम लोग देखने वाले। अभी सुबह के 10 बज रहे और वो टेम्पल का ओपनिंग टाइम 9:30 बजे का है। चलिए फटाफट से हमारे डोरमेट्री से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी जहाँ पे मैं तिरुपति में जिस डोरमेट्री में मैं रुका था, उस डोरमेट्री की थोड़ी झलक वापस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाले रूम में भी जहाँ पे मैं रुका हुआ था, यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर वाले सेटअप है डोरमेट्री वाले। डोरमेट्री का अगर मैं नाम बताऊँ तो ये श्री श्रीनिवासा AC डोरमेट्री। आप गूगल पे सर्च करोगे तुरंत ही आ जाएगा। और यहाँ का रेंट इतना है, 24 आवर्स 300, 12 आवर्स 200। अगर आप तिरुपति आते हो तो रुकना तो यहाँ पे बंद आई है। सुबह का कुछ ब्रेकफास्ट हुआ नहीं, ना तो मैंने कुछ ज्यादा पानी पिया है। यहाँ पे गांधी सर्कल के पास जहाँ पे हमारा डोरमेट्री जाने का रास्ता है, वहाँ पे करना नारियल का लारी लेके खड़े रहते, वहाँ पे पीले वाले नारियल थे, बोल रहे कि केरला वाला स्पेशल नारियल है। ये बोल रहे कि 2 महीना ही आता है ये केरला वाला, अलग से नारियल है। और बाकी सारे रेगुलर नारियल देखो कितना बड़ा साइज है इस नारियल का। आंध्र प्रदेश में आके केरला का नारियल में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे कर रहा हूँ। अहमदाबाद में BRTS आने के बाद ऑटो रिक्शा वालों को क्या हाल हुआ था, वैसा ही यहाँ के ऑटो वालों का हाल हुआ है विदाउट BRTS। साइरन वगैरह, डिक्की वगैरह सब लगा के रखा है, ग्राफिक्स एंड बैग्स एंड फ्रंट विंडशील्ड, क्या गाड़ी लग रहा है भाई, एकदम पुलिस वाले का गाड़ी देखो आप। यहाँ पे अगर आप जाओगे कोई भी शॉप के पास, चाय वाले के पास, तो वहाँ पे बड़े बड़े कॉपर के बॉयलर जैसा छोटा छोटा लगा होगा, तो फिल्टर कॉफी नहीं होती उसमें, वो सिर्फ शो पीस के लिए लगा के रखा है। यहाँ का बस स्टैंड देख लो एक बार, इस तरीके से बस स्टैंड रहता है, सुंदर सा डिजाइन, बैठने के लिए सुविधा सब एकदम, इतना पक्का बस स्टैंड के मतलब यहाँ पे लोग रह सकते हैं घर बना के। मैं जब से यहाँ पे घूम रहा हूँ मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले ही लिफ्ट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे जबरदस्त सक्सेसफुल है। ओला इंस्टाग्राम, हाँ हम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बोथ। थैंक यू भैया। तो जिस ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं, वहां से सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही है जहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर का पूरा आपको एक रूप देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। People are really nice. अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए जहाँ से 2 रास्ते लगते हैं, एक तो ये कहीं और जाता है और ये रास्ता जाता है जहाँ पे हमें जाना है। रुपेश भाई क्या बोल रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। बताता हूँ रुको। श्री कल्याणम वेंकटेश्वर स्वामी मंगापुरम वाला जो मैं बता रहा हूँ, श्रीनिवास मंगापुरम, वो स्ट्रेट ड्राइव है, टेम्पल के पड़ोस से निकलता है फुटवे, जो कि तिरुपति बालाजी जो ऊपर का टेम्पल है तिरुमाला वाला, वहाँ तक जाता है। जैसे मैंने बताया था पिछले वाले वीडियोस में कि तिरुपति बालाजी जाने के 2 रास्ते, पहला तो अगर आप बस से जाते हो तो डायरेक्ट बस में टिकट लिया और बैठ के, और दूसरा रास्ता है चल के जाने का। तो चल के जाने का रास्ता यहाँ से मंगापुरम से शुरू होता है, जो श्रीनिवास मंगापुरम हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे इस रास्ते जो होटल्स मिल रहे हैं वो एकदम ढाबा स्टाइल होटल है, जो अगर आप पैदल आते हो जो बजट कॉन्शियस एकदम करना है, तो यहाँ पे ढाबा स्टाइल होटल बहुत सारे हैं। सराउंडिंग देखो यार, मेरे सराउंडिंग में पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन वाला, यहाँ पे देखो कोकोनट ट्री है हर जगह, पूरा लेन है यहाँ पे कोकोनट ट्री का, यहाँ पे ढाबा लगा हुआ जिस रूट से मैं आ रहा हूँ वो इतना सुंदर जगह है, देखो वहाँ पे पूरा तिरुमाला, एंड ये रास्ते जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कस्बे के अंदर मैं घूम रहा हूँ, एक तिरुपति के आउटर साइड पे आया हुआ है, जो अलग ही एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे। तो ये जो रास्ता है ना, वो रास्ता इतना बढ़िया था और मैं मतलब रास्ते में ही खो गया, मतलब बहुत मजा आया। पहुंच गया यहाँ पे श्री कल्याणा वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल श्रीनिवासा मंगापुरम, जिसके बारे में हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप बस से आते हो तो ये वाला बस स्टैंड रहेगा जहाँ पे बस आपका रुकेगा। ये ऑटो सब डीजल रहता, CNG नहीं है, CNG नहीं है तो सब डीजल से चलता, पेट्रोल भी नहीं, डीजल वाला।
यहाँ के ऑटो रिक्शा डीजल से चलते हैं। और यहाँ पे जो टेम्पल है, टेम्पल के सामने ही पूरा एक छोटा सा मार्केट लगा के रखा है। यहाँ पे कोई भगवान की चीजों का मार्केट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खाने पीने का मार्केट। जो भी फैमिली यहाँ पे आती है, ज्यादातर शादी करने आते हैं, सब अपना सामान लेके आते हैं। चलो टेम्पल विजिट करते हैं। नहीं, थैंक यू। लुंगी वगैरह सर वगैरह यहाँ पे गेट पे मिल रहा। यहाँ की एक बात मैंने बहुत सुन रखी थी कि यहाँ पे रेगुलरली बहुत सारी शादियाँ होती है, और आज फ्राइडे इनका एक स्पेशल डे होता है जब ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। कुछ इसका महत्व है फ्राइडे का भी, मैं आपको जान के बताता हूँ। ये जो पूरा आपको जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एंट्रेंस गेट बोल सकते हैं, उसको गोपुरम बोलते हैं। यहाँ पे इनका ये तेलुगु के अंदर इनको गोपुरम बोलते हैं। सामने ये कुंड है, कुंड का कोई नाम है क्या? श्रीवारी कोनेरु। क्या? श्रीवारी कोनेरु। श्रीवारी कोरेनु कोनेरु कोनेरु। बिफोर गोइंग टू टेंपल वी हैव टू क्लीन अवर बॉडी एंड जस्ट फॉर्मेलिटी। गोपुरम का एंट्रेंस तो देखिए, वो जो लकड़ी का जो गेट है उसका हाइट अराउंड होगा मतलब 20-25 फीट से ज्यादा। पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इन लोगों ने सब कुछ यहाँ पे लिखा गया। ये 14th to 16th सेंचुरी में बना हुआ है, और इसके अंदर 3 चेंबर्स है, और हर एक चेंबर के अंदर अलग अलग उसकी कहानी है, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री यहाँ पे लिखा गया। अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक बार इसको जरूर रीड करना, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, किस तरीके से अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। तेलुगु में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे पड़ोस में ही आईना है जहाँ पे आप अपना तिलक कर सकते हो। गोपम का जो एंट्रेंस है वो यहाँ से एग्जिट है और यहाँ से एंट्री है, जैसे समझ में आ रहा है। ये सारे आरती के टाइमिंग्स है, और इसका मुझे मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है। चार्ट दिख रहा है, ये पूरा सेवा वाला चार्ट है। आप अपनी तरफ से कुछ योगदान देना चाहते हो तो इतने रुपए का हो सकता है, 10 रुपए से लेके 1650 रुपए तक का आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हो। ये सारी चीजें होती है इसमें। जूते कहाँ निकालने और स्मार्टफोन कहाँ पे रखना है। स्मार्टफोन का बोले कि मैं अपने वाले बैग में रख दूंगा और इसको साथ में लेके जा सकता हूँ। हम लोग रेडी है अभी टेंपल में जाने के लिए, पैर भी साफ हो गए, चलते हैं अभी अंदर टेंपल में दर्शन करके आते हैं। यहाँ मैं टेंपल के अंदर के साइड हूँ, मतलब जो गर्भगुरु टेंपल का मेन रहता है वहाँ पे नहीं हूँ, उसके पीछे की तरफ जहाँ पे शादियाँ होती है वहाँ पे हूँ मैं। तो ये वाला बिल्डिंग एंड यहाँ से रुक जाते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये वाला पोर्शन मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे क्या है, शायद से बंद है कि या इसका कुछ एंट्रेंस नहीं है, या मंदिर के अंदर से उसका कुछ एंट्रेंस होगा, ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूरा घूम के आया। डाउट थोड़े से मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे बालाजी की जो प्रतिमा है उनके आस पड़ोस में जो प्रतिमा दिख रही है वो उनकी वाइफ है, जया एंड विजया। जया इज पद्मिनी एंड विजया इज अलबेल मंगा ना, अलबेल मंगा, इनको हिंदी नहीं समझ आता, ये से बता पा रहे। जैसे शादी का मन्नत मांगने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, तो जैसे उनका मन्नत पूरा होता है तो वो दोनों जोड़ा जो भी शादीशुदा होता है या फिर हो गया है वो यहाँ पे वापस आता है, अपना जो मन्नत मांगा हुआ था वो कुछ चढ़ाओ ये लोग रखते हैं अपना, कि जो कुछ डोनेशन टेंपल को करना हो। यहाँ पे प्रसाद का भी मैंने दो सिस्टम देखा, एक तो रहता है इनका फ्री प्रसाद जो कि खीर रहता है या तो कुछ चावल रहता है मीठा वाला, एक वाला एक रहता है पेड़ वाला जो कि आपका पूरी हो गया तला हुआ मीठा पूरी रहता है, वो पेड़ वाला रहता है। 15 रुपीज पर पूरी वो लोग चार्ज करते हैं। यहाँ पे जो पूरा एरिया है ये एरिया के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी मैं मंदिर के अंदर वाले में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एरिया के अंदर कर रहा हूँ। जैसे बीच में नीम का पेड़ है बहुत सुंदर सा, एंड आस पड़ोस में जितने भी लोग आए वो शादी के लिए आए, या तो शादी करवाने के लिए आए, या अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगने की शादी उसकी हो जाए फटाफट से। जो भी सारे दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब मेरे दोस्त और उनके दोस्त भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी शादी अटकी हुई या अभी तक शादी नहीं हुई, या फिर आपका पेंडिंग में जा रहा है काम, हर बार कैंसिल होता है, तो फिर दिस इज द टेम्पल यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है, यहाँ पे आओ दर्शन करो। शादी का 100% श्योरिटी देते हैं यहाँ के भगवान। कुछ इस तरीके से इसका एंट्रेंस गेट है, बहुत ही बड़ा वाला एंट्रेंस गेट है। वैसे लाइन के अंदर हार्डली मुझे 2 से 3 मिनट लगा था मुझे दर्शन करने को। यहाँ पे जितने भी शादीशुदा लोग आते हैं फिर उनके लिए अलग से एक लाइन रहता है। ये जो गुजराती लोग जा रहे हैं ना, ये लोग मुझे यहाँ पे मिले, हम लोग तिरुपति में आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे मुझे गुजराती लोग मिले, और जो स्पेसिफिक गुजराती लोग ऐसे मिले कि जो मुझे जानते हैं और मेरे साथ फोटो क्लिक करवा के गए वो लोग। वो उन्होंने सामने से बोला कि आपको हम जानते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते ना। 4 लोकेशन मैंने बताए थे, एक तो तिरुमाला में तिरुपति मंदिर जो वेंकटेश्वर स्वामी का मेन टेम्पल है, सेकंड लोकेशन ये हो गया कि पद्मावती मंदिर, गोविंद रामा स्वामी टेम्पल जो उनके बड़े भाई है, श्रीनिवास मंगापुरम। ये 4th लोकेशन था। तो ये टॉप 4 लोकेशन ऐसे है कि जो अगर आप आते हो यहाँ पे तिरुपति तो आपको घूमने चाहिए, फैमिली के साथ हो या अकेले हो, ये लोकेशन तो आपको कवर करनी ही चाहिए। ये पूरा लंबा चौड़ा ट्रिप है, आपका सपोर्ट रहा तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा हमें इस ट्रिप से, आशा रखते हैं ऐसी, ठीक है। थक गया यार, बहुत धूम हो रही है यहाँ पे, ओवर हीट हो रहा है। चलो जी मिलते हैं फिर।